वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। आज बच्चों हमारा लेक्चर फर्स्ट है सिलेबस का। एज यू नो प्रीवियस लेक्चर के अंदर बच्चों इंट्रो का जो लेक्चर था आप सभी ने देख लिया होगा आई होप सो। और एक बच्चों व्हाट इज ओबीएस सिस्टम नाम का भी मैंने लेक्चर बच्चों डाला हुआ है इसके अंदर इंट्रो के अंदर। प्लीज सबसे पहले ये दो लेक्चर आप देख लीजिए, अदरवाइज बच्चों अपने जिस सिस्टम पे पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। आई होप सो आपने इससे पहले भी यूट्यूब पे ऐसे लेक्चर्स पे पढ़ा होगा, लेकिन बच्चों फिर भी व्हाट इज ओबीएस सिस्टम नाम का मैंने बच्चों एक लेक्चर डाला हुआ है, वो आप जाके पहले पहले वो लेक्चर देखिए, उसके बाद आपको इस लेक्चर की बच्चों इम्पोर्टेंस पता चलेगी। तो आई होप सो आप सभी ने वो लेक्चर देख लिया होगा बच्चों। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था बच्चों जस्ट वो मैंने इंट्रो का डाला था बच्चों, सिलेबस की अपनी जो बुक्स हैं बच्चों कौन कौन सी है अपने सिलेबस के अंदर और अपने कौन सी बुक स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज अपने पेपर सेकंड की जो बच्चों हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नाम की बुक है वो बच्चे अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। पेपर सेकंड के अंदर बच्चों पेपर सेकंड के अंदर जो बुक बच्चों है अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अंदर 3 यूनिट्स है बच्चों। ये 3 यूनिट्स कवर करती है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन वही है बच्चों जो आपने क्लास 12th के अंदर एक चैप्टर होता था आपके पास चैप्टर 9th, वो उस चैप्टर का बच्चों फर्दर पार्ट है। तो अपने थोड़ा सा बेसिक उस चैप्टर का करेंगे, फिर बच्चों कुछ एक्सरसाइज बच्चों क्लास 12th वाली है सेम की सेम ऑलमोस्ट सेम है, उसके बाद वो चैप्टर स्टार्ट करता है ताकि वो क्लास 12th के अंदर जो गैप रह गया है क्लास 12th के बाद जो फर्स्ट ईयर किया आपने फिर जो गैप बन गया है एक डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ उस गैप को भी वो कवर कर देगी। तो अपने मैं उन एक्सरसाइज में से आपको सारे तो क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा क्योंकि जैसे ही मैं करवाना स्टार्ट करूंगा आपको ऑलमोस्ट वो सारा का सारा रिकॉल हो जाएगा। तो उस बिहाफ पे बच्चों मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा दूंगा और कुछ क्वेश्चंस आप कर लेना। अगर आपसे फिर भी कोई क्वेश्चन ना हो तो आप चैट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हो और यू कैन सेंड योर डाउट ऑन व्हाट्सएप नंबर एज गिवन अबव। आई बच्चों बात समझ कि हाँ जी सर आगे बात समझ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बच्चों ये चैप्टर 1 है, अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हो बुक के अंदर बच्चों फर्स्ट चैप्टर जो दिया है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। क्या दिया बच्चों? इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को बच्चों हिंदी में कहते हैं अवकल समीकरण। क्या कहते हैं बच्चों? अवकल समीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या आता है बच्चों हमारे दिमाग में फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण क्या है? क्या आता है बच्चों क्वेश्चन अपने दिमाग में? अवकल समीकरण क्या है? अवकल समीकरण क्या है? तो बच्चों एक तो ऑर्गेनिक डेफिनेशन होती है जो बुक के अंदर दी है अवकल समीकरण क्या है, एक बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इस, ठीक है, आपको रिलेट करा दूंगा मैं इस इक्वेशन को या इस डेफिनेशन को विद रियल लाइफ, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। पहले तो बच्चों जो बुक के अंदर हमें जो डेफिनेशन दी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लाइक वी हैव एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स है बच्चों ध्यान से सुनो, एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन समझने से पहले हिंदी में भी लिखा है बच्चों जिन समीकरण में स्वतंत्र परतंत्र चर तथा तो एक या अधिक परतंत्र चरों के स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो तो उन्हें अवकल समीकरण कहते हैं। अब बच्चों मैंने ये पढ़ तो दी, अब आप कहोगे सर ये क्या है, स्वतंत्र क्या है, परतंत्र क्या है, डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है। इनको समझने के लिए बच्चों अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आपने फंक्शन पढ़ा था तो आप ऐसे लिखते थे वाई इक्वल एफ एक्स, फंक्शन बच्चों ऐसे पढ़ा था। ये जो है ना बच्चों एक्स, जैसे बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल के अंदर एक इक्वेशन लिख दी आपके लिए सिंपल सी एकदम बिल्कुल सिंपल वाई इक्वल एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर आप ऐसे करते थे कि अगर मैं कोई उसका ग्राफ बनाऊ तो आप क्या करोगे बच्चों एक्स की जगह वैल्यू पुट करते जाओगे अपनी मर्जी से और वाई की वैल्यू आती जाएगी। थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल वाई अगर मैं लिखू, ये वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर जो एक्स है ना, जो एक्स की जगह आप अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करते थे, अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करते थे एक्स की जगह, इसलिए बच्चों इस इक्वेशन में ये जो एक्स है बच्चों ये इनडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा है बच्चों? इनडिपेंडेंट है। कैसा है? इनडिपेंडेंट है बच्चों, हिंदी में बोला जाता है स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब आप अपनी मर्जी से वैल्यू रख रहे हो इसलिए इसको स्वतंत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? स्वतंत्र। और यहाँ पर जो बच्चों वाई है, यहाँ पर जो बच्चों वाई है आपके पास, ये जो वाई है
ये है बच्चों डिपेंडेंट, ये क्या बच्चों डिपेंडेंट, किस पे डिपेंडेंट है ये? कि सर ये एक्स पे डिपेंडेंट, किस पे डिपेंडेंट है बच्चों? एक्स पे, इसलिए इसको हिंदी में बोला जाता है बच्चों परतंत्र, परतंत्र बोला जाता है या आश्रित भी बोला जाता है। ये आश्रित है बच्चों, क्या आश्रित है? आश्रित है मतलब ये जो वाई है ये इस पे डिपेंड करता है, एक्स पे, वाई जो है एक्स पे डिपेंड करता है, समझे बच्चों बात को? जैसे ये कोई पिता है या माता है, ठीक है, ये बच्चे हैं बच्चों, ये बच्चे हैं, तो ये सारे के सारे बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन डिपेंडेंट किस पे हैं? बच्चे क्या है? डिपेंडेंट है किस पे? बच्चे ये सारे के सारे किस पे डिपेंडेंट है? जो भी घर के हेड है उन पे डिपेंडेंट, समझे बात? ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो ए है बच्चों ये अपनी मर्जी से करेंगे ना, ये अपनी मर्जी से सब कुछ करेंगे, समझ के बात? इस तरीके से वाई जो है बच्चों वो डिपेंडेंट है किस पे? एक्स पे। और बच्चों जो एक्स है वो क्या इनडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी से आप वैल्यू पुट करते थे। आई बच्चों बात समझ? तो इसलिए अब वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, वो ये कह रहे हैं एक ऐसी इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर क्या हो, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हो, मैंने समझा दिया आपको, एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंशियल वो वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इनका डेरिवेटिव होना चाहिए किनके रिस्पेक्ट बच्चों? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके रिस्पेक्ट। अब आप कनेक्ट कर जाओगे, जैसे मैंने बच्चों लिखी dy बाई डी एक्स प्लस 2x इक्वल 5, बच्चों ये मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। क्या लिखी है बच्चों? मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। इसके अलावा एक और लिख देता हूँ बच्चों, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल साइन एक्स। तो बच्चों इस इक्वेशन में अब ध्यान से देखो, मान लो वाई जो है एक्स का फंक्शन था, मान लो वाई जो एक्स का फंक्शन था, तो वाई जो ऊपर लिखा था बच्चों मैंने वाई, तो वहां पे एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो वो कह रहा है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई, उसका इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट आपको डिफरेंशिएशन दिखना चाहिए। जो बच्चों वाई है, वाई क्या बच्चों? आश्रित, वाई क्या? आश्रित। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट क्या दिखे आपको? डिफरेंशिएशन दिखे, डिफरेंशिएशन दिखे। उसके अलावा कोई वेरिएबल भी दिख जाए, उनका मल्टीप्लाई दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, तो इन सभी ऐसे इक्वेशंस को क्या कहा जाता है बच्चों? क्या कहा जाता है? डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? डिफरेंशियल इक्वेशन। आई बच्चों बात समझ? कि हाँ जी सर, आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कि सर अब ये रियल लाइफ में बताओ कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ है? अब ध्यान से सुनो बच्चों, बच्चों आप, मैं रियल लाइफ से कनेक्ट कर देता हूँ बच्चों, कुछ एग्जाम्पल कनेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। बाइक है बच्चों, बाइक जब भी आप चलाते हैं तो बाइक, बाइक की कोई ना कोई बच्चों वेलोसिटी है, कोई ना कोई जिसे आप स्पीड कह देते हो, कि सर स्पीड होती है, वेलोसिटी नहीं होती। बच्चों एक बार मान के चलो कि वेक्टर फॉर्म में भी चल सकती है ना, तो वेलोसिटी हो जाएगी, आप स्पीड मान के चलो। तो बच्चों अगर उसकी वेलोसिटी है तो वी क्या होती है बच्चों? डीएक्स बाई डी टी तो होता है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है और मैथमेटिक्स में भी पढ़ ही लिया कि वी क्या होता है बच्चों? डीएक्स बाई डी टी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ क्यों बच्चों? जब डिस्टेंस के अंदर चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस पढ़ा था हमने, चेंज इन डिस्टेंस उसको किससे डिवाइड किया था बच्चों? कि सर चेंज इन टाइम, चेंजेस इन टाइम, चेंजेस इन डिस्टेंस को चेंजेस इन टाइम से जब हम सर ने, हमने सर डिवाइड किया था, जिसको हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे डिस्टेंस अपॉन में टाइम, लेकिन बाद में पता चला कि वेलोसिटी वो होती है जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चेंज को पर्टिकुलर टाइम चेंज को डिवाइड करने के बाद जो हमें मिलती है। तो बच्चों जिसको आपने शुरू के अंदर क्या कहा था, डेल एक्स बाई डेल टी भी कहा था, डेल एक्स बाई डेल टी, डेल एक्स बाई डेल टी भी बच्चों आपने कहा था। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी तो टाइम के रिस्पेक्ट क्या है बच्चों? एक क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ही हुई ना, अवकल समीकरण हुई। ये देखो एक्स का टी के रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है, एक्स का टी के रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब मेरी बात सुनो ध्यान से बच्चों, दुनिया में जितना भी परिवर्तन जहां पे दिख रहा है ना, आप जितना भी परिवर्तन दिख रहा है बच्चों, परिवर्तन, परिवर्तन जो दिख रहा है बच्चों, चेंजेस जो भी दिख रहे हैं, वो सारी की सारी क्या है बच्चों? डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो सारी की सारी क्या बच्चों? डिफरेंशियल इक्वेशन है, सारी की सारी अवकल समीकरण है, सारी की सारी क्या है बच्चों? वो अवकल समीकरण है। कि सर चेंज तो हर जगह हो रहा है, सर चेंज तो हर जगह हो रहा है, अभी टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, सर अभी टेम्परेचर के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है, फिर सर जो हमारे स्प्रिंग्स हैं उनमें भी चेंज हो रहा है, ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है,
धरती घूम रही है सर, धरती की जो गति है, धरती की जो गति है, रिवोल्यूशन है उसमें चेंज हो रहा है। सूरज घूम रहा है सर, सन में चेंज हो रहा है, लाइट में चेंज हो रहा है, भूकंप आ रहा है सर, भूकंप आ रहा है, हवाओं में परिवर्तन हो रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है बच्चों, हर चीज में, एज में क्या चेंज नहीं हो रहा आपका? एज में चेंज हो रहा है, बिहेवियर में चेंज हो रहा है, बिहेवियर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, मौसम में चेंज हो रहा है, हर चेंज हो रहा है बच्चों, हर चीज के अंदर जहां भी चेंज है वो बच्चों सारी की सारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस मीन्स पूरी की पूरी जो नेचर है बच्चों, पूरी की पूरी नेचर जो है, वो प्रकृति जो है, वो सारी की सारी डिफरेंशियल इक्वेशन, सारी की सारी क्या बच्चों, अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन है। प्रकृति की बच्चों, प्रकृति के विज्ञान को समझना, प्रकृति के विज्ञान को समझना, उसके साइंस को समझना। साइंस क्या बताता है कि इस चीज के अंदर चेंज कैसे हुआ? ग्रेविटेशन ने क्या बताया? गुरुत्वाकर्षण ने क्या बताया? गुरुत्वाकर्षण ने यही तो बताया कि बच्चों हमारी जो धरती है वो किस तरीके से खींच रही है, किस तरीके से खींच रही है। तो आपने कहा कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से खींच रही है, तो आपने क्या बता दिया? एक्सीलरेशन बताया आपने, ये क्या बताया बच्चों? आपने ये त्वरण बताया। क्या बताया? त्वरण, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन बच्चों आपको बताया वेलोसिटी में चेंज है, यहाँ जी सर है, एक्सीलरेशन बच्चों आपको पता है, और वेलोसिटी में चेंज किया बच्चों, वेलोसिटी किसके अंदर चेंज है कि सर? वेलोसिटी तो डिस्टेंस में चेंज था, तो बच्चों है तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही, है तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही। इतनी मशीनें चल रही है दुनिया में, इतनी मशीन्स वर्क कर रही है बच्चों, इतनी मशीन्स वर्क कर रही है, इतने फोर्स लग रहे हैं, इतने फोर्स लग रहे हैं। फोर्स क्या होता है बच्चों? एम ए होता है, एम एज इट इज। ए क्या होता है बच्चों? ए डीवी बाई डी टी है। देख लो ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों। भूकंप आ रहा है, भूकंप आ रहा है, मेजरमेंट किससे कर रहे हो आप? सिस्मोग्राफ से, सिस्मोग्राफ से मेजरमेंट कर रहे हो। गूगल पे बच्चों सिस्मोग्राफ की इक्वेशन सर्च करो, गूगल पे इसकी इक्वेशन सर्च करो, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। समझ रहे हो बात? आई बच्चों बात समझ? तो प्रत्येक चीज ऑलमोस्ट आप जब देखोगे अपने आप को चारों तरफ घेरे हुए पाओगे किससे? डिफरेंशियल इक्वेशन से। चारों तरफ आपको किसने घेर रखा है? डिफरेंशियल इक्वेशन। बस आपके देखने का नजरिया होना चाहिए, देखने का नजरिया, विजन, विजन होना चाहिए बच्चों। आप किस तरीके से देखते हो, आइडिया बच्चों, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ बच्चों। मैं आपको पढ़ने का एक नया तरीका बता रहा हूँ, नया तरीका सिखा रहा हूँ बच्चों, जिसके अंदर अब आपको अलग अलग आइडियाज पे वर्क करने हैं बच्चों। आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो आप, तो बच्चों अब आपको रट्टा एप्लीकेशन वाला कोई गेम नहीं है। आपने देखा भी होगा कि जब आप क्लास ट्वेल्थ से बच्चों जब आप फर्स्ट ईयर में आए, क्लास ट्वेल्थ से बच्चों जैसे ही आप फर्स्ट ईयर के अंदर आए, आपने देखा कि पूरी दुनिया ही चेंज हो गई मैथमेटिक्स की, देखा ना? क्लास ट्वेल्थ के अंदर आपने हंसी खुशी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से टीचर्स ने पढ़ाया आप, लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर के अंदर आए तो आपने देखा कि खुद कितना पढ़ना पड़ रहा है। 12th तक बच्चों टीचर बहुत मेहनत करता है आपके ऊपर, ठीक है, और जैसे ही आप फर्स्ट ईयर के अंदर आए, अगर आपने खुद पे मेहनत की, फिर आपको ये पता चला खुद पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बुक की लेंथ हो जाती है बच्चे, 6 बुक्स आपको मिली, जैसे 6 बुक्स आपको मिली, आपने सोचा ये इतना सारा कैसे आ गया एकदम से। तो बच्चों हायर मैथमेटिक्स के यही गुण है, हर मैथमेटिक्स की अलग प्रॉपर्टीज है, अलग तरीके से पढ़नी पड़ती है, सभी सब्जेक्ट से अलग तरीके का सब्जेक्ट है बच्चों मैथमेटिक्स, ठीक है। इसको आप बाकी सब्जेक्ट के साथ को रिलेट कर सकते हो, लेकिन कंपेयर थोड़ा कम कर सकते हो। तो बैक टू द टॉपिक, आप समझ गए बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? बाइक चला रहे हो, बाइक कोई ना कोई स्पीड है, एक्सिलरेट कर रहे हो बच्चों, एक्सिलरेट को बच्चों वर्ड देखो कहाँ से आया, एक्सिलरेट की स्पीड बढ़ाई, ठीक है। तो ये सारे के सारे कहाँ से रिलेट हुए? एक्सिलरेशन से। स्पीड जैसे ही है वैसे आपके दिमाग में वेलोसिटी भी चला हुआ, डिस्टेंस भी कवर कर रहे होंगे बच्चों। शेयर मार्केट के अंदर डेली क्या होते हैं, रेट चेंजेस होते रहते हैं, अपनी करेंसी है मार्केट में, रेट चेंज हो रहा है बच्चों। आज आलू 50 रुपए का है, कल 20 रुपए का हो जाता है, फिर 10 रुपए का हो जाता है। तो बच्चों ये जो चेंजेस है ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, कभी ऊपर जाता है ग्राफ, कभी नीचे जाता है। तो बच्चों ये जो चेंजेस है ना, अगर इन चेंजेस को आप समझ जाओ, अगर बच्चों इन चेंजेस को अगर आप समझ जाओ, तो वो बच्चों फिर एक एक लड़ी खुलने लग जाएगी प्रकृति के नियमों की। बच्चों ये जो प्रकृति है ना, प्रकृति
बच्चों ये जो कॉस्मोस है पूरा पूरा, ये जो नेचर है बच्चों, जो नेचर है बच्चों, ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, अलग अलग समस्या अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे ही आप बच्चों इनको आप सोल्व कर लेते हो वन बाय वन, आप इनको सोल्व करते रहते हो। जैसे बच्चों कोई बीमारी आती है तो उसको अपने सोल्व करते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं या जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने अभी कोरोना का एक एग्जाम्पल भी देखा, ठीक है, कोरोना आई, फिर अलग अलग मैथ जो साइंटिस्ट थे यानी जो हमारे डॉक्टर्स थे उनकी पूरी टीम ने इसको भगाने के लिए अलग अलग टाइप की बच्चों वैक्सीन निजात की, तो वो क्या था, चेंज हो गया, एकदम से चेंज कर दिया वायरस ने ह्यूमन बॉडी में, चेंज कर दिया। तो वो चेंज क्या है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन, समझे बात को। तो बच्चों जैसे जैसे अपने प्रकृति के चेंजेस को पहचानते रहते हैं, प्रकृति को जानने का मौका मिलता है बच्चों, नेचर को जानने का मौका मिलता है, जो क्यूरोसिटी है बच्चों, क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी यानी जानने का मौका यानी जिज्ञासा, जो जिज्ञासा है ना बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट को पहचानना जानना समझना, जो जिज्ञासा है बच्चों वही उसके अंदर आपको इन्वॉल्व करेगी। आप ऐसे नहीं कर सकते किसी भी सब्जेक्ट के लिए कि ऊपर ऊपर से पढ़ गए और चले गए, नहीं बच्चों, टॉपिक जो है डीप होंगे, डीप तरीके से बच्चों टॉपिक को समझना होगा। तो बच्चों अगर प्रकृति के नियमों को समझना है, जितने अपने प्रकृति को जानेंगे बच्चों, हमारे जो स्पीसीज है होमोसेपियन है बच्चों, अपने होमोसेपियन है, अपने जो ह्यूमन है सारे के सारे बच्चों, अपने ह्यूमन प्रजाति के लिए बहुत अच्छा वर्क करके जाएंगे। और सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं बच्चों, बाकी सारी स्पीसीज है जो धरती पे अर्थ पे रह रही है उनके लिए भी बच्चों अपने अच्छा नॉलेज और अच्छे उनकी उनके लिए बच्चों जानकारी जुटा पाएंगे कि उनके लिए और सेफ्टी क्या है। प्रकृति के नियमों को अगर जान ले, जैसे बच्चों पहाड़ों को जान ले, तो अपने ये जान पाएंगे कि हाँ भाई अपने को वहां पर ओवर कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर जैसे ही आप ओवर कंस्ट्रक्शन करते हो तो वहां पे चेंजेस स्टार्ट होने लग जाते हैं। क्या स्टार्ट होने लग जाते हैं बच्चों, चेंजेस, वो चेंजेस ही बच्चों आगे जाके भूकंप बाढ़ इनको बुलावा देते हैं। तो इनसे बचने के लिए बच्चों आपको प्रकृति को जानना होगा, प्रकृति को जानना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को जानना होगा। आई होप सो आप सभी को ये डेफिनेशन बच्चों जो ऑर्गेनिक है वो भी समझ आ गई होगी, और बच्चों मैंने जो समझाया तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन से कनेक्ट कर गए होंगे। तो बच्चों अब इसके बाद पढ़ते हैं अपने बच्चों टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या पढ़ते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान से सुनते रहिएगा। शुरू के अंदर बच्चों बेस बनाना पड़ता है चैप्टर का, एज यू नो कि शुरू के अंदर एक बार अगर आप चैप्टर से कनेक्ट कर जाते हो तो बच्चों बाद में तो सिर्फ क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ही तो करने हैं। तो टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चों देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को बच्चों हिंदी में अवकल समीकरण कहते हैं, तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन वर्ड यूज करूंगा बार बार, तो हिंदी माध्यम वाले जितने भी बालक बालिकाएं हैं वो सारे के सारे समझ जाना। और कुछ आप बच्चों कॉलेज के स्टूडेंट हो, आप इतने तो कनेक्ट होते ही हो टॉपिक से, हिंदी इंग्लिश का ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट आती है बच्चों ओडीई। ओडीई का मतलब होता है बच्चों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होता है बच्चों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैं हिंदी में लिख दूंगा साथ के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कहेंगे बच्चों हिंदी में से, सामान्य अवकल समीकरण, क्या कहेंगे बच्चों, सामान्य अवकल समीकरण। सामान्य अवकल समीकरण का मतलब है सिंपल, आपको डीवाई बाई डी एक्स जिसके अंदर दिख जाएंगे, आपको डीवाई बाई डी एक्स एकदम सीधे दिख जाएंगे, सीधे सीधे। जैसे बच्चों ये मैंने लिख दी डीवाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 5x, ये लिख दिया। और एग्जाम्पल ले लो बच्चों, बहुत पढ़ी है आपने डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने क्लास 12th के अंदर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है, डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है, इक्वल माइनस का वाई, ठीक है, ये होगी। और बहुत सारे जितने भी आपने आपने जो चैप्टर पढ़ा था वो सारे डिफरेंशियल इक्वेशन थी बच्चों, क्लास 12th के अंदर जो चैप्टर 9 पढ़ा था। और सेकेंड बच्चों अपने बात कर लेते हैं, सेकेंड अब जो पीडीई है हमारे, सेकेंड क्या बच्चों हमारे पास पीडीई, और पीडी की बच्चों आपको एक अलग से बुक दे रखी है जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है बच्चों, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बच्चों ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि पार्शियल क्या होता है, पार्शियल क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या अब क्या कहते थे इसको, आंशिक आंशिक अवकल समीकरण बोलते थे बच्चों, आप क्या बोलते थे इसको, आंशिक अवकल समीकरण बोलते थे। अब आपको पता है कि या तो आप उस बुक को उठा लो तो आपको पता चल जाएगा, या ऐसी इक्वेशन को पहचानते हो डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल 5x, कुछ भी हो सकता है 5xy, तो ये क्या है जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, समझ रहे हो बात, जो आपने
क्लास फर्स्ट ईयर में भी बच्चों आपने कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, ऐसे निकालते थे ना आप, डेल वाई बाय डेल एक्स निकालते थे, जेड के रिस्पेक्ट निकालते थे, या किसी के भी रिस्पेक्ट, जो वो सारी की सारी क्या थी बच्चों, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आई बच्चों बात समझ कि हाँ जी सर, आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बच्चों इसके बाद बच्चों जो हमारी बुक में हम पढ़ेंगे, नॉर्मली बच्चों दो टाइप की अपने पढ़े हैं जो अपनी बुक के अंदर है बच्चों, उसमें से फर्स्ट अपने पढ़ेंगे बच्चों एलडीई। अब ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे टॉपिक डीप होता जाएगा। एलडीई को बच्चों अपने कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं बच्चों? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि बच्चों इंट्रो का लेक्चर है, इसलिए मैं आपको एक बार समझा दूं ना कि यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, और इसके बाद में जो नॉन लीनियर कौन सी होती है। तो उसके बाद अपने जो मेन चैप्टर पे जाएंगे तो वहां आप कनेक्ट कर जाओगे बच्चों। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अगर अपने बात करें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है बच्चों, अ डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देता हूं मैं, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच दी, क्या कह रहे हैं बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बच्चों जो कह रहा है बच्चों, जो डेफिनेशन होती है उसका एक एक शब्द अच्छी तरीके से पकड़ लिया करो आप, क्योंकि बच्चों डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। डेफिनेशन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक एक शब्द आपको पकड़ के चलना है, शब्द से नहीं हटना, शब्द को हिलने मत देना, यानी पॉइंट टू पॉइंट बात करती है बच्चों डेफिनेशन। जो मैथमेटिशियंस ने डेफिनेशन बना दी बच्चों, वो पॉइंट टू पॉइंट बात करती है। देखो ध्यान से, वो क्या कह रहा है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच, एक अवकल समीकरण जिसमें, इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल यानी वाई, डिपेंडेंट कौन था बच्चों, वाई, एक बार मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी वाई, डिपेंडेंट यानी आश्रित चर, एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव, और इसके सारे अवकलन, और इसके सारे अवकलन जैसे डी वाई बाई डी एक्स, अगर इन द फर्स्ट डिग्री, सारे के सारे बच्चों फर्स्ट डिग्री के अंदर होंगे, फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल, लीनियर का मतलब रेखीय, रेखीय अवकल समीकरण। कैसी अवकल समीकरण बच्चों, रेखीय, रेखीय अवकल समीकरण, रेखीय अवकल समीकरण, ठीक है, फर्स्ट डिग्री के अंदर होंगे बच्चों, फर्स्ट डिग्री में ओनली, एंड नो प्रोडक्ट, और नो प्रोडक्ट का मतलब कोई गुणा नहीं होगा, किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का और उसके डेरिवेटिव का, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वाई का और डी वाई बाई डी एक्स का आपको कोई गुणा नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, नो, क्या दिखेगा बच्चों, नो प्रोडक्ट एंड डेरिवेटिव, अगर इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे बात समझ आई कि हाँ जी सर, समझ तो आ गई, एक एग्जाम्पल हो जाए, ये लो बच्चों एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लीजिए एकदम तड़कता भड़कता, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स की क्यूब वाई इक्वल एक्स स्क्वायर ई की एक्स। बच्चों वो क्या कह रहे हैं, पहले तो वो कह रहे हैं, देखिए ध्यान से, आई बच्चों बात समझ, तो ये जो एग्जाम्पल है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स की क्यूब वाई इक्वल एक्स स्क्वायर ई की एक्स, ये एग्जाम्पल बच्चों टोटली इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। क्या कह रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण बच्चों क्या होती है, ध्यान से एक बार फिर से, अवकल समीकरण इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी देखो बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल वाई अपने को पता है आश्रित चर होता है, डिपेंडेंट होता है, और इसका जो डेरिवेटिव है ये देखो डी वाई बाई डी एक्स, द फर्स्ट डिग्री है बच्चों, ये देखो फर्स्ट डिग्री है, एक ही बार अवकलन हो रहा है, सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है, और पावर भी इसकी एक है, ठीक है, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इस डिपेंडेंट ये जो है इसके साथ कोई वाई तो मल्टीप्लाई में नहीं है, वाई मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, वाई मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल बच्चों मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, किसके साथ, डेरिवेटिव के साथ। तो बच्चों आपको मैं एक नया तरीका समझा रहा हूँ पढ़ने का, पढ़ा किस तरीके से जाता है, ऐसे बच्चों पॉइंट टू पॉइंट आपको लेके चलनी है चीजों को, समझ गए गेम को, हाँ जी सर अब से समझ गए, अब से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे हम पॉइंट टू पॉइंट लेके चलेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट सेकेंड टाइप को पढ़ते हैं बच्चों अपने, सेकेंड है हमारे पास कौन सी, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, जो बच्चों लीनियर की बातें फॉलो नहीं करेगा वो कौन सी हो जाएगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, हिंदी में क्या कह दोगे, अरेखीय कह दोगे, क्या कह दोगे बच्चों, अरेखीय, अरेखीय, जो रेखीय की बातों को फॉलो नहीं करेगा वो अरेखीय हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, वाई डीवाई बाई डी एक्स, वाई डीवाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल साइन एक्स। अब बच्चों
लीनियर तो कहता था कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ कोई कौन सा वेरिएबल नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे तो आ गया, तो ये नॉन लीनियर के अंदर चला गया। इसके अलावा बच्चों डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल एक्स साइन एक्स। लो ये तो दो पावर वाला है, ये तो डबल डेरिवेटिव हो रहा है, डबल डेरिवेटिव हो रहा है, तो लीनियर नहीं है, ये लीनियर नहीं है, समझिए बात। और ले लो एग्जाम्पल डी टू वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल ई की एक्स। तो बच्चों ये कौन से एग्जाम्पल है, नॉन लीनियर के बच्चों, अरैखिक के, कैसे है, अरैखिक के बच्चों। आइए बच्चों बात समझ, हाँ जी सर आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बच्चों इसके बाद जो अपना टॉपिक है उसके अंदर अपने जानते हैं ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बच्चों आपने सारा पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ आपको रिकॉल करवा रहा हूँ एक बार, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक बच्चों। अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि, कोटि ये बच्चों आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा था आपने, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, क्या है बच्चों, मैं लिखता हूं डेफिनेशन, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर, या बच्चों आप कोटि बोलते थे इसको, याद करो क्लास 12th में। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो मैक्सिमम टाइम्स ऑफ क्या हुआ हो, डिफरेंशिएशन हुआ हो, अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, जैसे अपने एग्जाम्पल करते हैं कि मैक्सिमम टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है उस पर बात करते हैं। लाइक एक्स वन माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल एक्स साइन एक्स, तो बच्चों इसमें कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है आप बताओ, इसमें बच्चों डिफरेंशिएशन एक बार ही हुआ है, एक बार ही हुआ है, तो बच्चों इसकी ऑर्डर या इसकी बच्चों कोटि कितना है बच्चों, एक है, ऑर्डर या कोटि कितना है बच्चों, एक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कोस एक्स, इसमें बच्चों कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है मैक्सिमम, कि सर यहाँ पे टू टाइम्स हुआ है, यहाँ पे सिंगल टाइम्स हुआ है, तो बच्चों ऑर्डर या कोटि कितना हो जाएगा, कि सर इसकी ऑर्डर टू हो जाएगी सर। इसको प्रथम कोटि बोला जाता है बच्चों, अगर एक ही कोटि हो ना, एक बार डिफरेंशिएशन हो उसको प्रथम कोटि बोला जाता है, ठीक है, और दो बार हो तो उसको द्वितीय कोटि बोला जाता है। इंग्लिश में बोल देते हैं बच्चों ऑर्डर इसका वन है और ऑर्डर क्या है बच्चों इसका टू है। अगली बच्चों बात समझ, कि हाँ जी सर आगे बात समझ, ये वही है जो हमने क्लास 12th में पढ़ा था, हाँ जी बच्चों वही है, एक बार सेम टॉपिक ही अपने धीरे धीरे, इसलिए मैं ज्यादा बच्चों टाइम नहीं ले रहा इनके ऊपर, इन पर ज्यादा टाइम नहीं ले रहा बच्चों, ठीक है। डिग्री या घात ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत ही नहीं है बच्चों इसके अंदर, जिस टॉपिक में डीप जाना पड़ेगा उसमें मैं अपने आप चला जाऊं। देखिए डिग्री क्या होती है बच्चों, डिग्री वो होती है जिसके अंदर मैक्सिमम टाइम्स जो डिफरेंशिएशन हुआ है उसकी जो पावर होगी बच्चों, उसकी जो पावर होगी वही देखनी पड़ेगी अपने को। लाइक ये लिखा मैंने एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस थ्री इक्वल एक्स, ये लिख दिया। तो ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इसकी बच्चों डिग्री कितनी है, डिग्री घात, तो आप कहोगे आपको ऐसे लग रहा होगा दो है, लेकिन दो नहीं है बच्चों, मैंने क्या कहा मैक्सिमम टाइम्स जो डिफरेंशिएशन हुआ है, मैक्सिमम टाइम्स अधिकतम बार जो अवकलन हुआ है, दो जो डिफरेंशिएशन हुआ है उसकी आपको देखनी है घात, उसकी घात देखनी है, अधिकतम जो अवकलन है ना बच्चों, अधिकतम अवकलन जो हुआ है, अधिकतम अवकलन जो हुआ है बच्चों उसकी पावर देखो, तो अधिकतम अवकलन तो बच्चों ये है और इसकी पावर कितनी है, एक है, ये पावर नहीं है बच्चों, ये दो पावर नहीं है, ये तो ऑर्डर है, ये क्या बच्चों ऑर्डर है, ये पावर नहीं है, पावर कितनी है जो बाहर लगी है, जैसे ये देखो ये पूरे के बाहर दो लगी थी ना, लेकिन दो नहीं हो सकती इस इक्वेशन की, क्योंकि ये डी वाई बाई डी एक्स है, आपको सबसे ज्यादा बार जो है उसकी देखनी है, तो इसकी बच्चों डिग्री कितनी होगी, डिग्री हिंदी में बोलते हैं बच्चों घात, कितनी
कितनी है बच्चों? वन है। कितनी है बच्चों? वन। समझे बच्चों बात को? कि हाँ जी सर, समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी डिग्री कितनी है बच्चों? वन है। समझ गए बात? और बच्चों कोई भी पावर, अगर इसकी पावर बच्चों फ्रैक्शन में होती तो अपने कोशिश करते उसको कैसा बनाने में, अपने उसको बच्चों फ्रैक्शन को इंटीजर बनाने में पहले कोशिश करते हैं, नहीं बनते हैं तो अपने कह देते हैं संभव नहीं है, और अगर बन जाती है तो बच्चों अपने कह देते हैं कि इसकी उतनी घात है। जैसे बच्चों मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये देखिएगा, ये 3/2 इक्वल में 0 है। तो बच्चों इसकी अगर अपने बात देखिए, आप अभी ये लीनियर नहीं है बच्चों, देखो ये पावर 3/2 है, 3/2 को पहले खत्म करना पड़ेगा। आइए पहले 3/2 को खत्म करते हैं। तो ये d2y/dx2 इधर पड़ा रहा, ये d2y/dx2 इधर सेम है, ठीक है। ये जो बच्चों स्टेप है इसको उधर लेके जाओ, उधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, 1+dy/dx की होल स्क्वायर की पावर क्या है बच्चों? 3/2। तो इस फ्रैक्शन को पहले अपने हटाने की कोशिश करते हैं, देखते क्या बनता। अब अपने बच्चों कर देते स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बच्चों इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर ऐसे हो जाएगा d2y/dx2, और इसकी पावर क्या लग जाएगी बच्चों? स्क्वायर किया तो पावर इधर 2 हो जाएगी, ठीक है। और इधर बच्चों जब अपने स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा, और रिमेनिंग भी है 1+dy/dx का स्क्वायर, और इसकी बच्चों स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कट जाए, ये अपॉन वाला 2 कट जाएगा, रिमेनिंग भी है just 3। तो बच्चों ये जो अपने पास इक्वेशन है इसका बच्चों ऑर्डर और डिग्री आप दोनों बताओ, ऑर्डर बताओ और डिग्री बताओ, कोटि और घात। ऑर्डर होगा बच्चों यानी कोटि, ऑर्डर होगा बच्चों, देखो यहाँ पे सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक ही बार अवकलन है, यहाँ पे 2 बार अवकलन है। तो बच्चों ऑर्डर कितना हुआ? 2 हुआ। और बच्चों पावर डिग्री इसकी 3 होगी क्या बताओ? 3 होगी या 2 होगी? सर 2 होगी, क्योंकि जो मैक्सिमम टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन है ना उसी की पावर देखनी है। तो बच्चों इसकी ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी 2 है। तो बताइए आप सभी को ये समझ आ गया ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है? आई बच्चों बात समझ? हाँ जी सर, आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा अब बच्चों हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करनी होती है बच्चों? सोल्व करनी होती है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, उसका ऑर्डर पढ़ा, डिग्री पढ़ा। इसके बाद अगर हम बात करें सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल। बच्चों ऐसा अगर हम कुछ ऐसा करें, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन या कोई एक ऐसा मेथड यूज करें बच्चों जिसे dy/dx ऐसा मेथड अपने यूज करें जिससे क्या हो बच्चों, जिससे dy/dx खत्म हो जाए, dy/dx या d2y/dx2, ये जितने भी है बच्चों, जितने भी अवकलज है, जितने भी ये अवकलज, अवकलज यानी डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स क्या हो जाए बच्चों? रिमूव हो जाए मेथड से, डेरिवेटिव्स क्या हो जाए बच्चों? रिमूव हो जाए। तो उसके बाद जो हमें मिलेगी उसको अपने क्या कहते हैं बच्चों? सॉल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद जो हमें मिलते हैं बच्चों उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे आपने बच्चों क्लास 12th के अंदर किया भी था, क्लास 12th में बच्चों आपने किया था, जैसे मैं एक छोटा सा आपको करके दिखा, देखो बच्चों एग्जाम्पल, एक dy/dx इक्वल बच्चों ये एक्स दे दिया हमने, dy/dx इक्वल एक्स। तो बच्चों अगर इस dy/dx को अगर आपको खत्म करना है तो बच्चों आप क्या करोगे कि सर हम क्या करेंगे, हम dx को x के पास ले जाएंगे, x dx हो जाएगा सर, फिर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, dy का सर y हो जाएगा, और x का होता है सर x²/2 + c। तो ऐसी इक्वेशंस जहां से बच्चे अपने को आंसर मिल जाए, जहां से आंसर अपने को मिल जाए, और आंसर के अंदर अगर अपने पास सी आए, सी आए कॉन्स्टेंट अगर आए, तो उन्हें कहते हैं बच्चों जनरल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? जनरल सॉल्यूशन बोला जाता है, जिसके अंदर अपने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट आ जाए ना, आर्बिट्ररी एच चर आ जाए बच्चों जिसके अंदर, उन्हें क्या बोला जाता है?
उन्हें बोला जाता है मतलब जनरल सॉल्यूशन बोला जाता है। अगर बच्चों अगर ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट खत्म हो जाए, अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना हो, एचिक्चर ना हो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट बच्चों न हो यानी ये खत्म हो जाए किसी भी तरीके से, जैसे ए बी सी ऐसा कोई भी हो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो, वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए यानी न हो, तो उसे बोला जाता है जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये बच्चों होता है सामान्य हल। जब सी आपको दिख रहे हैं आर्बिट्ररी बच्चों कांस्टेंट अगर आपको दिख रहे हैं तो उसे बोला जाता है सामान्य हल बोला जाता है। अगर बच्चों आप वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट किसी तरीके से हटा देते हो तो उसे बोला जाता है बच्चों आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब है स्वैच्छिक चर, ए बी सी डी आपको दिखे अगर वो, तो उन्हें बोला जाता है बच्चों पर्टिकुलर विशेष हल। पर्टिकुलर का मतलब विशेष हल है, वो स्पेशल है, विशेष हल है, यानी वो किसी स्पेशल कंडीशन को फॉलो करके ही तो उठाए होंगे ना आपने एबीसी, आपने किसी स्पेशल कंडीशन को फॉलो करके बच्चों हटाए होंगे। आई बच्चों बात समझ? हाँ जी सर, आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बच्चों ये है अपने पास, क्या है ये, एक बच्चों मैंने छोटा सा आपको क्या समझाया, जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका बच्चों मैंने इंट्रो दिया है बुक में, बच्चों आपको ये इंट्रो दे रखा है, आप उसे पढ़ो आराम से, क्योंकि बच्चों इंट्रो से ज्यादा कोई एक आधी डेफिनेशन आनी है, क्योंकि आपको पता है पहले 10 क्वेश्चन आपके पास जो है वो डेफिनेशन की है। आई होप सो इसके अंदर से आपकी डेफिनेशन आ जाएगी, या किसी बच्चों पूरी यूनिट में से एक आती है, पूरी यूनिट में से आपको मिलेगी डेफिनेशन, ठीक है, ईच यूनिट से दो आते तो टोटल 10 हो गए क्वेश्चन। तो बच्चों आपको इस डेफिनेशन भी मिल सकती है, ऑर्डर डिग्री का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर से बच्चों अपने क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कौन सी बच्चों? फर्स्ट ए स्टार्ट नहीं करेंगे अपने, सेकंड स्टार्ट करेंगे, सेकंड सेकंड स्टार्ट करेंगे बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो बच्चों आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में एक शानदार लेक्चर में। थैंक यू।